हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेटा मॉड्यूलेशन। तो इन प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया था डीपीसीएम। ओके, तो डेटा मॉड्यूलेशन ये डीपीसीएम की ही एक स्पेशल केस है। अभी इस वीडियो में हम डेटा मॉड्यूलेशन की कंसेप्ट, दोनों ब्लॉक डायग्राम्स एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे। ओके, पीसीएम की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी देखी है कि उसमें बैंडविड्थ बहुत लार्ज होती है, और वो ओवरकम करने के लिए हम डीपीसीएम, डेटा मॉड्यूलेशन या फिर अडैप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ओके, तो डेटा मॉड्यूलेशन की कंसेप्ट क्या है कि इसमें 1 बिट पर सैंपल ट्रांसमिट होता है। तो अगर सिर्फ 1 बिट ट्रांसमिट होगा तो बैंडविड्थ ऑफकोर्स रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि बैंडविड्थ क्या होती है, एन इंटू एफ एस, वेयर एफ एस इज योर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एंड एन इज योर नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स घट गए तो आपकी बैंडविड्थ भी घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एन तो 1 है तो आपकी बैंडविड्थ क्या हो गई, एफ एस। अभी डेटा मॉड्यूलेशन ये कैसे करता है, क्या होता है कि जो प्रेजेंट सैंपल है एक्स ऑफ टी, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। ओके, और इसका जो रिजल्ट है वो ट्रांसमिट किया जाता है। हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि प्रेजेंट वाला सैंपल अप्रोक्सीमेटेड सैंपल से हायर है या लोअर है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम एक्चुअल सैंपल भेज ही नहीं रहे। ओके, इसीलिए हम ये 1 बिट में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो ये जो एक्स ऑफ टी है वो है आपका इनपुट सिग्नल, और ये जो एक्स कैप ऑफ टी है वो है एक अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। ओके, स्टेयरकेस जैसा कुछ है। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अगर आपका इनपुट सिग्नल अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल से बड़ा है तो उस वक्त क्या किया जाएगा, ये जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है वो डेल्टा से इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज नथिंग बट स्टेप साइज, इस स्टेयर के सिग्नल की स्टेप साइज है ये। ओके, सो इफ एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर तो आपका एक्स कैप ऑफ टी, मतलब ये स्टेयर के सिग्नल डेल्टा से बढ़ाया जाएगा। और अगर ये एक्स ऑफ टी छोटा है एक्स कैप ऑफ टी से, तो ये जो स्टेयर के सिग्नल है वो डेल्टा से घटाया जाएगा। सिंपल। तो जो ये स्टेप साइज है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, और इसीलिए इस मॉड्यूलेशन टेक्निक को डेल्टा मॉड्यूलेशन बोला जाता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती रहेगी इस कंपैरिजन के बेसिस पे। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि वी आर नॉट ट्रांसमिटिंग द एक्चुअल सैंपल्ड वैल्यू बट वी आर सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन वेदर प्रेजेंट सैंपल इज हायर और लोअर देन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अभी ये स्टेटमेंट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ओके, अभी ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया डेल्टा, इससे हम वो डीएम आउटपुट कैसे निकालेंगे। सिंपल है, अगर इंक्रीमेंट हुई है तो डीएम आउटपुट 1 कंसिडर किया जाएगा, और अगर डिक्रीमेंट हुई है तो डीएम आउटपुट 0 कंसिडर किया जाएगा। ओके, अभी ये कंसेप्ट हम डायग्राम के साथ समझेंगे। सो दिस ब्लैक कर्व इज योर इनपुट सिग्नल। ओके, और ये जो येल्लो लाइन्स है वो आपके सैम्पलिंग इंस्टेंसेस है। सो फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आपका इनिशियल स्टेयर के सिग्नल यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके, तो इस पॉइंट पे आपका कंपैरिजन होगा। अगर आपका इनपुट सिग्नल स्टेयर के सिग्नल से बड़ा है तो प्लस डेल्टा किया जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल बड़ा है, ब्लैक लाइन ऊपर है रेड लाइन से, तो हम इसकी जो स्टेप साइज है वो बढ़ा देंगे। ओके, अभी इस पॉइंट पे सेकेंड सैम्पलिंग इंस्टेंस पे फिर से कंपैरिजन होगा। अभी भी आपका इनपुट सिग्नल बड़ा है स्टेयर के सिग्नल से, सो फिर से एक बार स्टेप साइज बढ़ा दी जाएगी। ओके, हम प्लस डेल्टा करते जा रहे हैं। अभी इस पॉइंट पे फिर से आपका इनपुट सिग्नल बड़ा है स्टेयरकेस से, सो फिर से एक बार प्लस डेल्टा हो जाएगा। ओके, अभी इस पॉइंट पे स्टेयरकेस सिग्नल ऊपर चला गया है ब्लैक लाइन से। ओके, मतलब आपका जो एक्स ऑफ टी है वो अभी स्टेयरकेस सिग्नल से कम है, तो अभी हमें माइनस डेल्टा करना है, मतलब स्टेप साइज घटा देनी है। ओके, तो हम फिर से नीचे आ गए। अब इस पॉइंट पे भी आपका स्टेयरकेस सिग्नल इज स्टिल अबव योर इनपुट सिग्नल, सो फिर से एक बार माइनस डेल्टा। ओके, फिर से एक बार स्टेप साइज घटा देंगे। अभी भी ब्लैक लाइन नीचे है, मतलब एक्स ऑफ टी इज स्टिल लेस देन स्टेयर के सिग्नल, सो फिर से एक बार माइनस डेल्टा, फिर से एक बार स्टेप साइज घटा दी। तो अभी इस पॉइंट पे हम एक्स ऑफ टी के नीचे आ गए, अभी एक्स ऑफ टी फिर से बड़ा हो गया है, तो अभी हमें फिर से स्टेप साइज बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे फिर से प्लस डेल्टा करेंगे। अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम में आप ऐसे दिखाओगे कि दिस इज योर डेल्टा स्टेप साइज। ओके, और आपको क्या दिखाना है, ये जो ब्लैक है वो है आपका एक्स ऑफ टी इनपुट सिग्नल, और ये जो रेड है वो है आपका अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल। ओके, अभी हम इसकी ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। सो इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो बहुत सिमिलर है डीपीसीएम के ब्लॉक डायग्राम से, वहां पे भी ऐसे ही क्वांटाइजर लगा हुआ होता है। तो इस डायग्राम में क्या है, पहले तो आपका सिग्नल सैंपल होके आएगा, एक्स ऑफ एनटीएस बन जाएगा। ओके, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ एनटीएस बन जाएगा,
अभी ये जो एक्यूमुलेटर है वो ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जनरेट कर रहा है जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा। तो आपके इनपुट सिग्नल से ये जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ओके यहाँ पे माइनस है, और ये जो एरर सिग्नल आपको मिलेगा उनका जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा वो एरर सिग्नल आप क्वांटाइजर को दोगे, और ये जो क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल है वो फिर इस एक्यूमुलेटर को जाएगा। अभी अगर आपका जो एक्स ऑफ टी है, ओके यहाँ पे अभी सैम्पल्ड है मतलब एनटीएस है, बट ऊपर जो देखा वही है कि अगर आपका ये सिग्नल इससे बड़ा हो गया मतलब ये छोटा है एक्स कैप से, तो ये एरर क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, और अगर एक्स ऑफ टी बड़ा हो गया तो ये जो एरर है वो पॉजिटिव आएगा। ओके तो अगर ये एरर पॉजिटिव है तो इसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, अगर ये एरर निगेटिव है तो इसमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके और यहाँ पे डिले लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एन माइनस वन लिख रहे हैं, मतलब एक यूनिट से डिले करवा रहे हैं। किसको डिले करवा रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जो हमने एक्यूमुलेटर से भेजा आउटपुट उसको डिले करवा रहे हैं, मतलब आप एक पिछली वाली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले रहे हो और उसमें आपका जो एरर है वो या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। जो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा हो रहा है वो यही पे हो रहा है, इस प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा के अकॉर्डिंग वन या जीरो एज अ डीएम सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएंगे। ओके मैं आपको फिर से एक बार वर्किंग लिख के बताती हूँ, ये आपका इनपुट सिग्नल है और ये आपका स्टेयर के सिग्नल है। ओके इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है सिंपल, इन दोनों से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा। ओके प्रेजेंट सैंपल वैल्यू माइनस लेटेस्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, वैल्यू ये जो एक्यूमुलेटर लगा हुआ है वो इन शॉर्ट क्या कर रहा है, इसका इनपुट क्या है, ये जो क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल है वो, ओके इसके बीच में क्वांटाइजर था, यहां से एरर आता था क्वांटाइज्ड होके फिर से नीचे जाता था, राइट। तो एक्यूमुलेटर का इनपुट है ये क्वांटाइज्ड एरर, और आउटपुट क्या दे रहा है, अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल जिसके आपकी कंपैरिजन हो रही है। ओके तो ये अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल बड़ा है तो एरर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस डेटा हो जाएगा, और अगर आपका इनपुट सिग्नल छोटा है तो एरर निगेटिव होगा और माइनस डेटा हो जाएगा, मतलब वन और जीरो। ओके और वही आपका डीएम आउटपुट होगा। ओके अभी रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, अभी इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ उल्टा कर रहे हैं हम, यहां से अभी जीरो वन जो भी आएगा वो डिकोडर डिकोड करेगा कि ये प्लस डेटा है या माइनस डेटा। ओके फिर इसमें हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे वही हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे, तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, यहाँ से अब तक जो भी स्टेयर के सिग्नल जनरेट हुआ है वो यहाँ से लेके वो डिले करवा के इसमें ऐड करवाएगा। ओके अभी ये स्टेयर के सिग्नल को आप लो पास फिल्टर में दोगे तो वो आपका रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा सिग्नल। तो इस पॉइंट पे आपका क्या आउटपुट होगा, स्टेयर के अप्रोक्सीमेशन और उसमें थोड़ा नॉइज भी ऐड होके आएगा, क्योंकि चैनल से जब कोई चीज ट्रांसमिट होके आती है तो उसमें नॉइस रहता ही है। ओके तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में दो टाइप्स के नॉइस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में, बट रिसीवर में कुछ नहीं सिर्फ उल्टा हो रहा है, जो हम ट्रांसमीटर में देख रहे हैं उसका सिर्फ उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ओके कई जगहों पे आपको डेल्टा मॉड्यूलेशन की ये डायग्राम मिलेगी, ये ट्रांसमीटर की ब्लॉक डायग्राम है, ये भी सिमिलर है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका कंपैरिजन कौन कर रहा है, ये कंपैरेटर कर रहा है। ओके ओपैम्प लगाया हुआ है जो आपको कंपेयर करके दे रहा है। अभी इस कंपैरेटर का आउटपुट एक तो हाई होगा या लो होगा, अभी सैंपल एंड होल्ड क्या करेगा, ये जो हाई और लो है वो वैल्यू वो होल्ड करके रखेगा, फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो वैल्यू होल्ड की जाएगी ऐसे। अभी यही वैल्यू जा रही है अप डाउन काउंटर को, अगर ये हाई वैल्यू है तो अप डाउन काउंटर इंक्रीमेंट होगा, अगर कंपैरेटर ने जीरो आउटपुट दिया है तो अप डाउन काउंटर डिक्रीमेंट करेगा। ओके फिर से ये जो डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट होके इसको कंपैरिजन के लिए फिर से दे दिया जाएगा। ओके और ये यहाँ पे सिर्फ इसका क्लॉक लगा हुआ है। ओके बहुत सिंपल है। ओके कंपैरेटर ने हमें आउटपुट दे दिया, फिर हमने सैंपल एंड होल्ड सर्किट से ये होल्ड करवाया, ये ही जीरो और वन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एज अ डीएम आउटपुट। ओके ये जीरो वन जा रहे अप डाउन काउंटर को, अगर सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट वन था तो काउंटर इंक्रीमेंट किया जाएगा, अगर सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट जीरो था तो काउंटर डिक्रीमेंट किया जाएगा। ओके और ये जो काउंटर का आउटपुट है वो फिर से हम डी टू ए से एनालॉग करवाएंगे और उसी कंपैरेटर को फीड करवाएंगे। ओके फिर उस ट्रांसमीटर के लिए ये रिसीवर है, इसमें भी हम सिर्फ उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ से डीएम सिग्नल आ गया, आपने फिर से अप डाउन काउंटर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाया, फिर वो 0-1 हम फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करके एलपीएफ से रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे। ओके तो मैंने आपको दोनों तरीके के ब्लॉक डायग्राम्स दिखाए, अभी हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अभी इसमें तो वन बीट पास हो रहा है, ओके सिर्फ वन बीट ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली अभी लो बैंडविड्थ होगी, लो सिग्नलिंग रेट होगा, और ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है देन पीसीएम। ओके बट इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें दो टाइप के डिस्टॉर्शंस मतलब नॉइजेस आते हैं, वो है स्लोप ओवरलोड और ग्रैनुलर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे। ओके तो हमने डेटा मॉड्यूलेशन का सब कुछ कवर किया, कंसेप्ट डायग्राम, फिर ब्लॉक डायग्राम्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस।
आई होप आपको डेटा मॉड्यूलेशन अभी पूरा क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड यूजफुल पोस्ट्स अपलोड करती हूँ। सो डू चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।